केंद्र की भाजपा सरकार का 6 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हो चुका है। 6 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने पर जहां एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता सफलता की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता इस कार्यकाल को विफल बता रहे हैं, जिसको लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। आज से 6 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में प्रधानमंत्री के रूप में एक जनसेवा के रूप में जब शपथ ली थी, तो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। 5 वर्ष पूरे हुए और केंद्र सरकार की सफलतापूर्वक जनाधार मिला। फिर दूसरी बार जब हम सरकार हमारी बनी, तो आज 1 वर्ष पूर्व हो चुका है। मैं समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आज देश के अंदर जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। चाहे वो राम मंदिर निर्माण हो, जो एक बहुत ही लंबे समय से लंबित मामला था, धारा 370 और 35 से जो नागरिकता कानून है उसको लेकर के जो विचार चल रहा था, उसको लेकर के हमारी सरकार ने जो ये काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। देखिए, सबसे पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कांग्रेस ने योजनाएं बनाई थी हमारे देश की जनता के लिए, आज वही योजनाएं जनता को लाभ पहुंचा रही हैं। भाजपा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में भी हमारी कांग्रेस सरकार की समय में चलाई हुई योजनाओं का नाम बदलकर केवल जनता को भ्रमित करने का काम किया है। आज मनरेगा सबसे मजबूत मील का पत्थर हमारी देश की और गरीब जनता के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए साबित हो रही है। आज इसी स्कीम के माध्यम से हमारे गरीब मजदूरों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। अगर इस तरह की योजना कोई हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाई होती, तो आज शायद उनको खाद्यान्न का और अपने परिवार को पालने के लिए भी बहुत संकटों का सामना करना पड़ता। और एक मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगी कि जिस तरीके से लॉकडाउन में और बगैर किसी ठोस नीति और रणनीति के बाद इस लॉकडाउन की घोषणा करी गई है, अगर प्रवासी मजदूरों को पहले बसों के माध्यम से और ट्रेनों के माध्यम से पहले ही अपने घर पहुंचा दिया जाता, तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा राजस्व और हमारे देश को एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षति होने से बच सकती थी। देखिए, बिना किसी राजनीतिक द्वेष के मैं पूरी तरीके से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरे चरण का 1 वर्ष पूरी तरीके से विफल हुआ। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा चरण का 1 वर्ष में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिलाएं बुरी तरीके से शोषित हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम स्थिति पर है, चरम सीमा पर है। आज की तारीख में जो देखने को यदि आप देखेंगे तो युवा जितनी बुरी तरीके से हताश आज वर्तमान स्थिति में है, आज से पहले कभी नहीं था। इस मोदी शासन के अंतर्गत युवाओं को आज ढूंढने से नौकरी नहीं मिल रही है। सड़कों पर लोग, युवा बेचारे सड़कों पर आकर पकौड़े तल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बुरी स्थिति पर है कि लोग बेहिसाब परेशान हैं। महिलाओं का जगह जगह शोषण हो रहा है। आपको पिछले 1 वर्ष में देखने को मिला होगा कि जितने बलात्कार और जितनी घरेलू हिंसाओं की घटनाएं, जिस तरीके से व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से बलात्कार की जो घटनाएं थी, वो घटनाएं जितनी इस देश में इस टाइम में घटित हुई हैं, इससे पूर्व में कभी घटित नहीं। मेन तो ये है, दूसरे चरण में जो पहले साल में इन्होंने किया कि जो सालों से लंबित पड़ा था मामला राम मंदिर का, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का था, वो सॉल्व किया। सबसे मेन तो ये। उसके बाद ये जो लॉकडाउन आया, इसमें जो जनधन में लोगों को फ्री में सिलेंडर दिए और हमारी एक ट्रांसपोर्ट लाइन में कम से कम 3 महीने के लिए लोगों को किस्तों की राहत दी, जो सबसे बहुत बड़ी थी। तीसरी चीज़, जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं थे और यहाँ बसे हुए थे, उनको फ्री में राशन दिया। ये चीज़ें हैं और हैं, जैसे कई चीज़ों में फ्री में वो लोग दे रहे हैं। जनधन योजना, मतलब जनधन योजना में 3 किस्तें जो औरतों के खाते में पड़ी हैं, उससे बहुत बड़ी राहत मिली गरीब आदमी। तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है यहाँ अपने एरिया में भी, और लाखों लोगों को उससे लाभ ले रहे हैं हमारे उत्तराखंड में भी। और मतलब इसके लॉकडाउन टाइम से होने से बहुत सारी जो और देशों में हैं, जो बहुत सारे देश जो मेडिकल में बहुत आगे हैं, उनके स्तर से हमारे यहाँ लॉकडाउन होने से बहुत सारे लोगों की जान बची। जो आज 5-6 हज़ार का आंकड़ा है, दूसरे देशों में कम जनसंख्या होते हुए भी लाखों में मृत्यु जनसंख्या पहुँच गई, इससे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी एक लोगों के लिए वो है।